सो और सब गाइस, आप लोगों को पता है कोई फोटो एडिटिंग करके दिखाता है क्या चीज़ ओनली क्लिक में। आप लोग फोटो एडिटिंग करके सभी लोग दिखाते हैं प्रीसेट को यूज करके, ठीक है। लेकिन कोई भी आप लोग को रियल तरीके से फोटो एडिटिंग, सीवी फोटो एडिटिंग कुछ इस टाइप का आप लोग को दिखाता है, सिखाता है, नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन आज आपका भाई कुछ आप लोग बिना प्रीसेट का फोटो एडिटिंग कुछ इस टाइप का आप लोग को करके दिखाएंगे, वो भी एकदम रियल एंड जेनुअल ट्रिक। बस अपने एक के भाई को यार जैसा प्यार एंड सपोर्ट करते हो, आप लोग को पता है बहुत ही यार आप लोग अच्छे प्यार एंड सपोर्ट करते हो, हमको यही प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। और आप लोग को पता है यार कितना हमारा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर यानी हमारा फैमिली हो चुका है, 1 लाख कितना 30 हज़ार, ठीक है, 1 लाख 30 हज़ार तो होने वाला है। लेकिन यार आप लोग पहले की तरह आप लोग प्यार एंड सपोर्ट एक ही भाई को नहीं दे रहे हो, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। प्लीज़ यार आप लोग जैसा प्यार एंड सपोर्ट पहले दिखाते तो वैसा ही दिखाइए। आप लोग देख सकते हो यार हम चाहते हैं ना यहाँ पे जो हमारे सिल्वर प्ले बटन यहाँ पे दिख रहा है इसका बगल में ही गोल्डन प्ले बटन दे रखने के लिए, ठीक है। आप लोग के नाम के साथ और हमारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे दिखते हैं और हमारा सेटअप वगैरह देख सकते हो काफ़ी गंदा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा सेटअप में बनाने के लिए, हम भी सोचते हैं थोड़ा अच्छे से करने के लिए। लेकिन यार आप लोग प्यार एंड सपोर्ट करेंगे तभी तो हम अपना सेटअप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा प्यार एंड सपोर्ट बना दिखाते तो पहले की तरह आप लोग दिखाए तो आप लोग को सिखाएंगे बिना भाई लोग पता है ना बिना प्रीसेट का फोटो को एडिट करके, ठीक है। तो आप लोग को रियल प्रीसेट कैसे बनाया जाता है आपका एके भाई आप लोग को सारा कर सिखाएंगे एंड दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को सिखाते हैं सबसे पहले बिना प्रीसेट का फोटो को एडिट कैसे करना है। तो सबसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आप लोग को सिखाते बिना प्रीसेट का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले बिना प्रीसेट का, ठीक है। बिना प्रीसेट का आप लोग को एडिट करके दिखाएंगे तो आप लोग ओरिजिनल पिक को प्रीसेट को कैसे बना सकते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का फोटो को एडिट करके आप लोग का एक के भाई आँख के सामने कुछ आप लोग को दिखाने एंड सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना, इस फोटो को एडिट करना है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है इस फोटो को एडिट करने के लिए, सबसे पहले LR एंड Lightroom एम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। इस वे देखिए बिना प्रीसेट का आप लोग को फोटो को एडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले आइकन पर टाइप करके इस पे जब दाबेंगे तो इधर देखिए कोई भी इसमें एक भी प्रीसेट नहीं है हमारे Lightroom ऐप में, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी एक भी प्रीसेट नहीं है, ठीक है। तो इसी ओरिजिनल पिक को हम एडिट करके आप लोग को दिखाएंगे बिना प्रीसेट का। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट पर नहीं आना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग प्रीसेट को बिना प्रीसेट का फोटो एडिट करना है तो इधर देखिए इधर आप लोग कलर वाले आइकन पे आ जाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़ाना है एंड इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना इतना करके बढ़ा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिक्स टूल दिख रहा है तो मिक्स टूल पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए एक ग्रीन कलर हमारा था ना पहले बैकग्राउंड में, तो ग्रीन कलर हम क्या करें एडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको ग्रीन की तरफ ऐसा खींच लेंगे एंड इसको एफ सीट को कुछ इतना सा करके रख लेंगे, ठीक है। तो इसको भी एफ सीट को इतना सा करके एंड इसको भी थोड़ा सा इतना एंड इसको इसको इतना, ठीक है। तो इतना इतना करके आप लोग रख लेंगे तो हमारा देखिए अभी ऐसा कितना चेंजिंग आ चुका है हमारे फोटो में, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इतना फर्क आ चुका था अभी हमारे फेस पे, देखिए कितना रेड टोन कितना ब्लैक टोन दिख रहा है। इसको हटाने के लिए आप लोग को इस दूसरे वाला आइकन पे आप लोग को टैप करना, ठीक है। तो इस वाला आइकन पे टैप करके इसको एफ सी टू का कुछ इतना सा एंड इसको कुछ इतना सा एंड इसको इतना, ठीक है। उसमें रेड टोन का आना इसको कुछ इतना एंड इसको इतना सा, ठीक है। तो इतना हमारा फोटो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को इतना प्रोसेस हो जाए कलर वगैरह एडजस्ट कर लिए, उस वाले लाइटनिंग पे आ जाएंगे। तो लाइटनिंग पे आ गया इस ब्लैक को थोड़ा सा कम, इसको भी थोड़ा सा कम एंड इसको भी, ठीक है। तो हमारा फोटो कुछ ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना ना, इधर देखिए इस वाला आइकन पे जब आ जाएंगे तो इस पे आके आप लोग डिटेल को बढ़ाना है एंड इसको इतना सा करके रखना है, ठीक है। तो आप लोग का फोटो यहाँ पे काम इसके यहाँ खत्म हो चुका, कलर टोन वगैरह जो भी था। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से डाल लें और हमारे फेस पर काफ़ी ब्लैक दिख रहा था, इस वाले टोन पर आके इसको थोड़ा सा और क्या करें ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेंगे तो हमारा फोटो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। बिना प्रीसेट का कुछ ऐसा एडिट हो गया। तभी आप लोग बैकग्राउंड को कैसे बनाना है एंड फेस को कैसे स्मूथ करना है वो भी सारा कुछ आपका भी बता रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बैकग्राउंड को एडिट करेंगे, ठीक है। तो इस आपको फोटो को इससे वाला आइकन पर गाइस टाइप करना है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इससे वाला आइकन दिख रहा है ना, इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना कि इसकी इस फोटो को आप लोग को जरूरत पड़ने वाला है, आप लोग जरूर से इस फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इस फोटो को सेव कर लिया है। उसके बाद सेव करने के बाद इसी फोटो को हम लोग क्या करेंगे ना,
अपना शेयर वाला आइकन जो है आप लोग को खोल लेना है। तो शेयर वाला आइकन पे टाइप करके अपना फोटो को पिकार्ट ऐप में मेरे भाई लोग आप लोग को ले लेंगे। जब पिकार्ट ऐप में ले लेते हैं आप लोग का फोटो का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो फोटो का इंटरफेस खुल के ऐसा आएगा तो सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड को एडिट कैसे करना है, तो एडिट करने के लिए इधर देखिए, तो इस वाले आइकन पे मेरे भाई लोग आप लोग को टैप कर देंगे। तो उस वक्त सबसे पहले आप लोग इतना प्रोसेस हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आप लोग को ऐसा स्क्रॉल करके आ जाना है। तो उसके बाद आप लोग को इस वाले आइकन पे आप लोग को टैप कर देंगे। तो इस वाले आइकन पे जब टैप करते हैं तो इधर देखिए फेदर ऑन करके लिखा है, तो फेदर ऑन पर टैप करना आप लोग को। उसका इसको अब सीट को कुछ इतना 50 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 50 ऑटोमेटिक करके रख देना। उसके बाद आप लोग को पेंसिल आइकन पे टाइप करके बस अपनी इस इफेक्ट को फेस पे से इरेज करना है, ठीक है। तो देखिए आपका भाई काफ़ी इजी तरीके से अपने फेस पे से इफेक्ट को इरेज करा है। तो देखिए आप लोग सेम प्रोसेस यही करके आप लोग को अपने फेस पे से एंड हैंड वगैरह जो भी हो चुका तो आप लोग को इसको इरेज करना है। तो देखिए आपका भाई काफ़ी इजी तरीके से आप लोग को जो भी है तो स्टेप आप लोग बता रहे बिना प्रीसेट का आप लोग फोटो को एडिट कैसे करेंगे और किस टाइप का करेंगे, कैसे करेंगे तो आप लोग का फोटो बवाल सा दिखेगा, ठीक है। तो इतना प्रोसेस हो जाने बाद आप लोग यहां से डन कर लें और थोड़ा सा हल्का सा इसको एपसीटो को आप लोग को कम करना, उसका आप लोग को फोटो को सेव कर लेना, ठीक है। अभी बारी आ चुका है बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करें, ठीक है। तो आप लोग के यही दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा हो बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करेंगे, वो भी अदर ऐप में दूसरे ऐप में जाते हैं, लेकिन आपका भाई इसी ऐप में बताएंगे कैसे। तो देखिए इधर देखिए इधर एडिट वाले आइकन पे फिर से आप लोग को टाइप करना है। उसके बाद ऐसा स्क्रॉल करके आएंगे ना, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ब्लर करके लिखा रहेगा, ठीक है। एंड ब्लर करके तो ब्लर पे फर्स्ट वाले ब्लर को आप लोग को सेलेक्ट करना है, भूलना मत, ठीक है। तो इतना प्रोसेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को 15 ब्लर आ जाएगा, ठीक है। 15 एंड ब्लर ही करके रखना है। उसके बाद इस पेंसिल आइकन पे मेरे भाई आप लोग को टाइप करना, ठीक है। तो पेंसिल आइकन पे टाइप कर लेते हैं तो आप लोग देखिए जब इस पे दाबेंगे तो किस पे वर्क कर रहा है, हमारे फोटो पे ब्लर हो रहा है, ठीक है। जब इस पे दाबेंगे तो बस हमारे फेस पे ब्लर होगा, ठीक है। इस पे आप लोग डालेंगे तो आप क्या होगा पता है। तो देखिए आप लोग को आँख के सामने कहाँ कहाँ ब्लर हो रहा है, आप लोग को वनिक कपड़ा पूरा, ठीक है। इस पे दाबेंगे स्काई पे और स्काई जो रहेगा आप लोग उस पे ब्लर होगा, ठीक है। जब इस पे दाबेंगे तो आप लोग कहाँ ब्लर हो रहा है, फेस पे एंड हेयर पे, ठीक है। जब इस पे दाबेंगे तो आप लोग कहाँ ब्लर हो रहा है, इस पे दाबेंगे, ठीक है, ओनली हेयर पे, ठीक है। इस पे जब दाबेंगे तो क्या लिखा है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड पे दाबेंगे तो बैकग्राउंड हमारा ओनली ब्लर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अब सीटों को आप लोग अच्छे तरीके से ब्लर भी नहीं होता है तो इसको अब सीटों को कुछ इतना सा करके जहां आप लोग को अच्छा नहीं होता ऐसा करके एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर दिया तो इसको हमको कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करके इसको अच्छे तरीके से करके आप लोग ब्लर को अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसको दाब लेंगे तभी देखिए हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ और दिमाग में क्या चीज़ खुलता होगा, एक भाई आप क्या करते हैं तो बैकग्राउंड में वो का इफेक्ट इतना ऐसा गोला गोला सा आता है तो वही चीज़ सोचते होंगे कहाँ से आता है, ठीक है। तो ऐसा स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो उस बाद एस वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टैप कर देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ऑप्शन पर नहीं तो आप लोग को क्या करना ना, ऐसा स्क्रॉल करके आएंगे तो इस वाले आइकन पे मेरे भाई लोग आप लोग को टाइप करना है। किस वाले आइकन पे, तो देखिए इस वाले आइकन पे आप लोग को टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है ना, तो देखिए ऐसा करके बैकग्राउंड पे ओनली टाइप करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड बो का इफेक्ट ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा, देखिए काफ़ी ईजी तरीके से और काफ़ी मस्त तरीके से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जहाँ जहाँ चाहते तो वहाँ करके रख लेना है। उसके बाद हम क्या करें अपना फोटो को यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा फोटो तो काफ़ी अच्छा एडिट हो चुका, ठीक है। और आप लोग चाहते कलर को चेंज करना तो यहाँ पे देखें इस कलर पे आ जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग कलर को जो मर्जी कलर ओकर रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। ये भी कलर तो यार काफ़ी बेहतरीन लगता है लेकिन ये भी कलर अच्छा नहीं, लेकिन ग्रीन की कलर की बात ही छोड़िए, ठीक है। ये कलर तो काफ़ी वेस्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद इतना प्रोसेस जब हो जाता है तब बारी आता आप लोग को फेस को स्मूथ करना, ठीक है। जब फेस को स्मूथ करने जाएंगे तो आप लोग को सिंबल आइकन पे मेरे वाले आप लोग को टैप करना है। उस वक्त आप लोग को क्या करना ना, तो देखिए अपना फोटो को आर्ट और स्केच बुक में आप लोग को सेव कर लेना, ठीक है। जब इस पर शेयर करेंगे कुछ आप लोग का फोटो का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा, ठीक है। तो ऐसा खुल के आएगा तो क्या करना आप लोग देखिए, इधर पेंसिल आइकन दिख रहा है तो पेंसिल आइकन पे टाइप करेंगे तो उसके बाद आप लोग का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा, ठीक है। कैसा खुल के एंड ऐसा खुल के, तो आप लोग को क्या करना ना, तो ध्यान से देखिए इस ब्रश वाले पे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ ब्रश का साइज को इतना सा करके आप लोग को रख लेना, कितना
एंड इसको तीन करके एंड इसको तीन करके सॉरी देखिए एंड एक बार और दिखा इसको 14 करके एंड इसको तीन करके इसको 34 करके ठीक है। तो आप लोग इतना करके रख लेंगे, उसके बाद आप लोग दोनों फिंगर्स अपना फोटो को जूम करके एंड आप लोग को फोटो को क्या करना अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना ठीक है। तो देखिए आप अभी काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी आसान तरीके से हम क्या करें ना अपना फोटो को स्मूथ करें ठीक है। आप लोग को इसको डिटेल में वीडियो चाहे फेस स्मूथ का है मेरे भाई लोग, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तभी तो आपका भाई लेके आएगा ना, तो अच्छे तरीके से तभी तो हमको पता पड़ेगा आप लोग को फेस स्मूथ का वीडियो चाहिए ठीक है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी ऐसा करके स्मूथ कर लेना है। देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहे हैं कि गाइस आप लोग को पता है, तो स्मूथ करके आप लोग को पूरा दिखाएं तो वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये बात तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि एक फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो सबसे मेन पार्ट रहता है तो फेस को स्मूथ करना। फेस को स्मूथ करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम आप लोग को देना पड़ता है, तो आप लोग आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हम कैसे स्मूथ करते हैं फुल हाई HD क्वालिटी में, तो वो भी आपका भाई बता देगा ठीक है। बस यार आप लोग कमेंट करते रहिए तो क्योंकि आप लोग को पता ही है यार एक एक कमेंट हमको कितना मोटिवेट मिलता है ठीक है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को ऐसा जैसा आपका भाई दिखाया तो सेम प्रोसेस करके तो बैकग्राउंड तो एडिट करके दिखा दोगे बिना प्रीसेट का, और आप लोग को फोटो में देखिए मेन पार्ट तो यही आप लोग को रूल रहता है, सबसे ज़्यादा रूल रहता है फेस को स्मूथ करना। तो आप लोग देखिए इतना ज़्यादा बॉडी वगैरह सारा कुछ जो भी है, तो इसको एडिट करेंगे तो हमारा यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड हम नहीं चाहते कि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए आप लोग कमेंट इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा आप लोग ज़्यादा ना इस वीडियो में आप लोग 200 कमेंट कर देते फेस स्मूथ का ठीक है। फेस स्मूथ का तो आपका 100% भाई फेस स्मूथ का जो भी आप लोग को राज है सारा कुछ खोल देंगे, बस इसमें क्या करना ना 200 कमेंट आप लोग को करना है ठीक है। 200 कमेंट कर दीजिए आपका भाई फेस स्मूथ का राज सारा कुछ खोल देंगे ठीक है। तो आपका भाई मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए प्यार एंड सपोर्ट आप लोग करते रहिए।